हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ट्रैफिक में कार कैसे चलाएं। ये ट्रैफिक में बहुत से लोग कार को चलाते हैं तो उनके अंदर डर रहता है कि हम कैसे कार को चलाएँ, तो कैसे हम चला पाएंगे। तो ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही ईजी है, बस आपको केवल क्लच और ब्रेक पर कमांड बनाना है कि वहाँ पर कार आपकी बंद ना हो। और ये जो है 95% लोगों की प्रॉब्लम है कि वो खाली जगह पे कार को चला लेते हैं लेकिन उनको ट्रैफिक में कार चलाने में प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, और 100% है कि आपको ट्रैफिक में कार चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं इस समय हम यहाँ पर ट्रैफिक में हैं। अब यहाँ से हमको कार बढ़ानी है तो हमें जो है सबसे पहले चीज़ क्या करना है कि हमको यहाँ पे वन गियर में कार को बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको वन गियर में कार को बढ़ानी होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक पैर क्लच पे है, एक पैर ब्रेक पे है, और हम यहाँ से वन गियर लगाएंगे, लेफ्ट करके आगे वन गियर हो गया। अब बाकी यहाँ पे देख रहे हैं एक पैर ब्रेक पे है, एक पैर क्लच पे है, हमें सिर्फ की ओर क्लच ऊपर लेके आना है। जैसे ही क्लच आप हाफ लेके आएंगे देखिए कार आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से आपको ट्रैफिक में कार चलाना होता है, जो कि ट्रैफिक में बहुत ही ईजी है कार चलाना। वैसे आपको ये ध्यान में रखना है केवल एक पैर क्लच पे, एक पैर ब्रेक पे रखना है। देख रहे हैं एक्सीलेटर यहाँ पे बिल्कुल नहीं यूज होगा, क्योंकि जितनी हमको जगह मिलेगी उस हिसाब से आपको क्लच ऊपर लेके आना है। अगर बार बार आपको क्लच ऊपर नीचे नहीं करना है तो बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को बनाइए, हाफ क्लच पे। अभी ये देखिए जैसे ही ब्रेक हम छोड़ेंगे कार हमारी यहाँ से बढ़ जाएगी। अब ये देखिए हम क्लच ब्रेक छोड़ रहे हैं, कार हमारी आगे बढ़ रही है। ठीक, तो यही चीज़ आपको भी करना है ट्रैफिक में, केवल क्लच और ब्रेक पे पैर रखना है और बाकी जो है यहाँ पे वन गियर लगा के रखना है। क्योंकि जब कार में थोड़ी स्पीड होगी तभी हम सेकंड गियर लगाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ हम केवल यहाँ पे ब्रेक को छोड़ रहे हैं। जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे देखिए कार हमारी बढ़ रही है, फिर ब्रेक लगाना है तो फिर हम इतने ही क्लच पर ब्रेक लगाएंगे। अगर आप देखिए कार हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे तो उसी पे पैर को होल्ड रखिए, अगर उससे ऊपर ला देंगे तो कार आपकी बंद हो जाएगी। तो यही लोग गलतियां करते हैं ट्रैफिक में कि कार उनकी बंद हो जाती है, वो हाफ पे पैर को रोक नहीं पाते हैं। यह तो बहुत ही ज़्यादा जिस गाड़ी में पावर ज़्यादा है अगर वो तेज़ भाग रही है तो क्लच को हल्का नीचे ले लीजिए, कार आपकी जो है स्लो हो जाएगी। फिर यहाँ से बढ़ना है तो फिर हाफ क्लच, बस जितना आपको जगह मिलेगा उतना हमारा क्लच ऊपर आएगा ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान में रखना है कि हमारा क्लच ऊपर ना आए वहाँ पे ज़्यादा। देखिए बहुत आराम से चल रही है कार यहाँ पे, केवल एक पैर क्लच पे, एक पैर ब्रेक पे। और अगर बार बार आपको क्लच ऊपर नीचे नहीं करना है तो सिर्फ आपको बीच में पैर को रखना है होल्ड पे, और जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे देखिए कार आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से आपको कार को चलाना है, बहुत ईजी है कार चलाना ट्रैफिक में, और केवल आपको क्लच पर ही पैर को होल्ड रखना होता है। ज़्यादा अगर आप क्लच छोड़ देंगे तो कार यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो ये बंद होने वाली समस्या कहाँ पे होती है, जैसे कि जब आप क्लच जहाँ से कार हल्की सी मूव कर रही है अगर आप उससे ऊपर उठा देते हैं तो कार आपकी वहाँ पे बंद हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच आपको जितनी हमें ज़रूरत है, जितना जगह मिलेगा उतना क्लच आपको ऊपर लेके आना है। और अगर कोई सामने गाड़ी है उसके पीछे आप रोक रहे हैं तो जैसे ही उसका पिछला पहिया दिखना आपको बंद हो जाए वहीं पर कार आपको रोक देनी होती है। और जब भी ब्रेक लगाइए तो बहुत आराम से ब्रेक पे पैर रखना है और कार आपकी वहाँ पे रुक जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक्सीलेटर भी लेना चाहते हैं तो जहाँ से कार हल्की सी मूव करती है उसी पे एक्सीलेटर दबाएंगे तो केवल सिर्फ कार आवाज़ करेगी। तो जितनी ज़रूरत है उतना क्लच आपको छोड़ते जाना है, उतना एक्सीलेटर दबाते जाना है। तो ट्रैफिक में जो आप लोग डरते हैं तो डरने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोग क्लच को वहाँ पे जल्दी छोड़ देते हैं, कार आपकी तेज़ी से जाती है या फिर लड़ जाती है। तो क्लच को आपको अपने हिसाब से छोड़ना है, जितना आपको आगे जगह है उतना आपको क्लच ऊपर लेके आना है धीरे धीरे। देखिए अब यहाँ पे तेज़ बढ़ाना है तो क्लच हम थोड़ा सा ऊपर ले लिए, फिर रुकना हुआ तो फिर आपको क्लच दबाना है, ब्रेक पे पैर रखना है, और फिर जब यहाँ से बढ़ना है, अभी रुकी हुई है कार, तो फिर इसको हाफ करिए, एक पैर ब्रेक पे ही रखिए, एक्सीलेटर बिल्कुल वहाँ पे लेना ही नहीं है। क्योंकि एक्सीलेटर की ज़रूरत हमें तभी है जब हमको कार बढ़ाना है। तो ट्रैफिक में बिना एक्सीलेटर के कार को आप चला सकते हैं, जैसे यहाँ से धीरे धीरे चलना है, केवल क्लच आप की रही है, ब्रेक पे पैर, बस केवल आराम से यहाँ से कार आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई है तो एक्सीलेटर पे पैर लेके गए, केवल क्लच हाथ में एक्सीलेटर दबाना है, ये भी नहीं कि ज़्यादा जो है क्लच एक्सीलेटर यूज हो, इस तरीके से चलाना है देखिए बस। और जो भी आपको एक्सीलेटर दबाना है क्लच हाथ में ही दबाना है, क्योंकि जब क्लच यहाँ पे आप ज़्यादा छोड़ देंगे तो कार आपकी तेज़ी से भागेगी। तो इस तरीके से आपको क्लच और ब्रेक का यूज़ करना है, देखिए ऐसे हाफ क्लच में।
तो जैसे जैसे आपको जगह मिलता जाएगा वैसे वैसे क्लच हमारा ऊपर आता जाएगा, और फिर जब यहाँ पे शुरू करना है तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लच पूरा नीचे दबाना है, ब्रेक पे पैर रखना है, ब्रेक से कार को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, क्योंकि यही लोग नहीं समझ पाते हैं ट्रैफिक में कार चलाने के लिए। तो ये बड़ा आसान तरीका है, सबको केवल क्लच ब्रेक पे पैर रखना है और जितनी आपको जगह मिलती जाएगी उतना क्लच आपका ऊपर आता जाएगा बस। और कार बंद होने की सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोग वहाँ पे क्लच को ज़्यादा छोड़ देते हैं और कार वहाँ पे आपकी हो जाती है बंद। ठीक, अब जैसे यहाँ पे जगह मिल गया तो इसको थोड़ा सा स्पीड दे दिए, उसके बाद जो है क्लच दबाए, गियर को सेकंड डाल दिए, अब फिर यहाँ पे कार हमारी सेकंड गियर में चल रही है। ठीक, और फिर जैसे रुकना हुआ तो फिर आप जो है यहाँ पे क्लच दबा के फिर सेकंड में है तो हल्का सा एक्सीलेटर ले लिए क्लच हाथ पे और कार आपकी आगे बढ़ती चली गई। ठीक, तो इस तरीके से आपको ट्रैफिक में कार चलाना होता है। और जो नए चालक होते हैं वो ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कार हमारी वहाँ पे बंद हो जाएगी, हमको बढ़ाना कैसे है। तो वहाँ पे बढ़ाने के लिए आपको केवल क्लच और ब्रेक पे पैर रखना है, जितना आपको जगह मिल रहा है उतना आपको क्लच ऊपर लाते जाना है, कार आपकी आगे बढ़ती जाएगी। और जैसे ही आपको जगह मिला तो आप वहाँ पे सेकंड गियर डालिए। एक्सीलेटर की ज़रूरत तभी होगी जब आपको जगह मिलेगा, अगर जगह नहीं है तो आप फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में कार को बहुत ही ईजी तरीके से चला सकते हैं, वो भी क्लच और ब्रेक से, वो भी सेकंड गियर तक कार आपकी बिना एक्सीलेटर की चलती है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल करना है तो क्लच पूरा दबा लिए और ब्रेक पे पैर रखिए, तो केवल क्लच और ब्रेक का ही यूज होता है ट्रैफिक में चलने के लिए और बहुत ही आसानी से आप लोग चला सकते हैं। बस ये जो पैर है लेफ्ट वाला, ये आपको जगह जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से आपको ऊपर लाना है, जगह नहीं मिल रहा है तो क्लच नीचे जाएगा, ब्रेक पे पैर रहेगा, फिर जब क्लच हाफ ले आइए तो हाफ पे ही रोके रहिए और जितनी हमको जगह होगी उतना ये वाला पैर ऊपर चलेगा। ठीक फ्रेंड, हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।